नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है, क्या आपके यहाँ आपके घर में फैमिली के जो मेंबर है उनको बार बार चोट लगने का कारण बनता है? अगर आपके यहाँ बार बार चोट लगती है तो आज मैं आपको वास्तुशास्त्र और अपने अनुभव की कुछ खास बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा क्या कारण बनता है, घर के अंदर किस दिशा में वास्तु दोष बनता है जिसकी वजह से बार बार चोट लगने के कारण बन जाते हैं? जिस घर के साउथ ईस्ट के भाग में पानी का अंडरग्राउंड टैंक आ जाता है या सबमर्सिबल लगा हुआ है या वहाँ का फर्श का लेवल नीचा है तो उस घर के अंदर बार बार चोट लगने के कारण बन ही जाते हैं। आपके यहाँ पानी का अंडरग्राउंड टैंक है या सबमर्सिबल लगा हुआ है या वहाँ का फर्श का लेवल नीचा है तो आप उसको सही करेंगे तो आपके यहाँ बार बार जो चोट लगने के कारण बनते हैं उससे आपको राहत जरूर मिल जाएगी। यदि आपके यहाँ ये ना तो पानी का अंडरग्राउंड टैंक है ना ही सबमर्सिबल है और ना ही साउथ ईस्ट का भाग फर्श के लेवल में नीचा है और फिर भी आपके यहाँ बार बार चोट लगने के कारण बनते हैं तो मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा, आप अपने वहाँ पर साउथ ईस्ट के भाग को चेक करें। यदि वहाँ पर ग्रे कलर है तो भी आपके यहाँ बार बार चोट लगने के कारण जरूर बनेंगे। आप उस ग्रे कलर को वहाँ से हटाएं, यानी वहाँ पर आप ग्रीन कलर का पेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। जो बार बार चोट लगने के कारण बनते हैं उससे आपको राहत जरूर मिल जाएगी। जो बातें मैंने आपको बताई है ये अपने अनुभव की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में जरूर शेयर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।